हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जाने वाला हूँ वो है हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। जैसे कि मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों, इस हीट एक्सचेंजर को ट्रेन के RTC 400 मॉडल के अंदर लगाया हुआ है और इसके अंदर इसको ऑयल कूलर बोलते हैं। जो कंपनी इसका नाम मेंशन किए हुई है वो ऑयल कूलर है, ठीक है। तो क्यों ऑयल कूलर है? क्योंकि ये ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। अब वो ऑयल को किस तरह से ठंडा करेगा, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो ये वीडियो मेरा आप गौर से देख लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। और इस हीट एक्सचेंजर के ऊपर जैसे कि आप गौर से देखेंगे तो चार लाइन है, उसमें से दो इन दो आउट है। ये इन है ऊपर से आ रही, तो ये नीचे से आउट है, और ये नीचे से इन है तो ये ऊपर से आउट है। इसके अंदर ये लाइन के अंदर ऑयल फ्लो होता है, ये लाइन के अंदर ऑयल फ्लो होता है, और ये लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फोटो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट साइड की दो लाइन ऑयल की लाइन है और लेफ्ट साइड की दो लाइन जो है रेफ्रिजरेंट की लाइन है, जिसके अंदर इन एंड आउट का एरो लगाया हुआ, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। अब ये जो है ना, इसका काम यह है कि ऑयल का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट लेता है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ऑयल लेता है, लेकिन एक सर्टन टेम्परेचर के बाद में ये जो है आपस में अपने हीट एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो अभी हम जानेंगे कि इसका काम किस तरह से होता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा शुरुआत से, मतलब जहाँ से ये लाइन आ रही है वहाँ से मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी दे सकूँ, ठीक है। तो ये अगर देखने जाएंगे तो हम लोग ऑयल की लाइन से जाएंगे। ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखेंगे, ये वाली ये इन हो रही है ना, तो ये इन कहाँ से आ रही है, ये ऑयल की लाइन है। ये देखिए यहाँ से ये ऑयल सेपरेटर से आ रही है, ये है ऑयल सेपरेटर, ये देखिए ये ऑयल सेपरेटर है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये कंडेंसर में गया लाइन, और ये ऑयल सेपरेटर। तो ये क्या होता है, ये ऑयल सेपरेटर का काम, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये ऑयल सेपरेटर से जो नीचे से एक लाइन आ रही है, दो लाइन जा रही है, एक दूसरे कंप्रेसर में जा रही है, एक ये कंप्रेसर में आ रही है। तो ये लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन, ये ऑयल सेपरेटर की ऑयल की लाइन है जो कंप्रेसर में जाती है। तो कंप्रेसर में जाने के लिए क्या होता है, ये हीट एक्सचेंजर के थ्रू जाती है। ये देखिए ये यहाँ से आई, इन हो गई, और यहाँ से ये नीचे से ये देखिए आउट हो गए, आउट होके ये लाइन, ये देखिए ये लाइन कंप्रेसर के अंदर जा रही है। ये कंप्रेसर का ऑयल फिल्टर है, ठीक है, ये कंप्रेसर के अंदर जा रही है। और अगर ये दूसरी लाइन आप देखेंगे, ये वाली जो ये इन है नीचे से, जिसके अंदर एक्सपांशन वाल लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं फीमेल स्टेप लोडर, ठीक है। तो ये ट्रेन का RTSE 400 मॉडल है चिलर का, ठीक है। तो इसके अंदर का मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि ये जो एक्सपांशन वाल है इसको फीमेल स्टेप लोडर बोलते हैं, और ये इन है, ये इन कहाँ से आ रहा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इन, ये लाइन गई है, ये लाइन ये यहाँ से, ये लाइन ये देखिए यहाँ से आई, ये इधर आ गई, ठीक है। और ये आई देखिए, ये कहाँ से आई है, यहाँ पे जॉइंट हो गई, ये है लिक्विड लाइन, ठीक है। लिक्विड लाइन कहाँ का है, ये देखिए ये ड्रायर कोर है, ये वाला ड्रायर कोर, ये ड्रायर कोर से यहाँ से जॉइंट हो गया है, ठीक है। ये मतलब ड्रायर के बाद का कनेक्शन है। तो ड्रायर के बाद में क्या होता है, ड्रायर के बाद में जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन जाती है एक्सपेंशन वाल के लिए, ये है मेन उसका एक्सपेंशन वाल, ठीक है, जो कूलर के अंदर जा रहा है, ये है कूलर, ये कूलर के अंदर मेन एक्सपेंशन वाल है। तो ये यहाँ से एक लाइन जाती है एक्सपेंशन वाल के लिए, और दूसरी लाइन ये जो आ रही है, ये वाली लाइन, ये जाती है, ये यहाँ पे एक सर्विस वाल दिया हुआ है, ये दूसरे कंप्रेसर के लिए दूसरी लाइन जा रही है, और ये एक ये साइड के कंप्रेसर के लिए जा रही है। ये लाइन यहाँ पे आके फिर ये एक्सपेंशन वाल में जाके फिर ये हीट एक्सचेंजर में जाती है, और हीट एक्सचेंजर से निकल के ये वाली लाइन, ये यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरफ से आई, ये देखिए ये वाली लाइन गई है कहाँ पे, ये कूलर के अंदर गई, ये देखिए ये कूलर के अंदर गई, ठीक है। तो अभी इसका फंक्शन कैसा होता है समझ लीजिए,
जैसे कि लिक्विड लाइन से ये लाइन जो आ गई है, ये लिक्विड लाइन से लाइन आ गई, ये एक्सपेंशन वाला, ये यहाँ से अंदर जाके वापस कूलर के अंदर जा रहा है। ये जो ऑयल सेपरेटर से जब ऑयल रिटर्न आता है कंप्रेसर के अंदर, तो उसका एक टेम्परेचर रहता है खुद का, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल रहता है, तो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और ऑयल का टेम्परेचर साथ में रहने की वजह से वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। तो हाई रहने की वजह से उसका एक सर्टन टेम्परेचर है, उसके बाद में अगर वो एक्सीड होता है टेम्परेचर, जैसे कि 190 फ़ारेनहाइट में अगर वो टेम्परेचर चला गया, उसका एक सेटिंग है ये चिलर के अंदर, तो 190 फ़ारेनहाइट के अंदर अगर वो चला गया टेम्परेचर, तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो एक्सपेंशन वाल है ना, इसको एक्सपेंशन वाल को डिमांड आता है और ये ऑन ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने की वजह से यहाँ से जो लिक्विड लाइन जो रेफ्रिजरेंट है अंदर से एक्सपेंशन होके फ्लो होके यहाँ से आउट होके कूलर के अंदर चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ से जो ऑयल का जो टेम्परेचर है 190 फ़ारेनहाइट के ऊपर जब जाएगा, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्सपेंशन वाल ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो ये इसका जो टेम्परेचर है यहाँ से वो कवर करके, जो एक सर्टन टेम्परेचर कंप्रेसर को ऑयल का देना चाहिए, वो एक सर्टन टेम्परेचर कंप्रेसर के अंदर चला जाता है ऑयल का। तो इस वजह से ये हीट एक्सचेंजर को यूज़ किया गया है। ये जो फीमेल स्टेप लोडर है ये कब काम करना शुरू करता है, तो उसके लिए ये जो सेंसिंग बल्ब है, ये इसके ऊपर सेंसिंग बल्ब है, ठीक है, ये सेंसिंग बल्ब कहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए, ये ऑयल का रिटर्न लाइन है, ये ऑयल का रिटर्न लाइन देखो कंप्रेसर में जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर का ये आउट लाइन है, ये वाला, सही है ना, मैंने ये इन बताया था, ये आउट है, तो ये आउट लाइन के ऊपर ये सेंसिंग बल्ब लगाया हुआ है, जिसको हम लोग थर्मल बल्ब भी बोलते हैं। ये मैंने ओपन किया है, मतलब इसके ऊपर इस तरह से इंसुलेशन रहता है, ये देखिए इंसुलेशन, ये इस तरह से इंसुलेशन रहता है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये ओपन किया है। इसको ऐसा टाइप करेंगे और टाइप करके ये जो है ना सेंस करता है टेम्परेचर, इसका रिटर्न लाइन का, ऑयल रिटर्न लाइन का टेम्परेचर सेंस करता है, और इसके बाद में यहाँ से सेंस करने के बाद ये थर्मल बल्ब इसको ये एक्टिवेट करता है, मतलब उसका टेम्परेचर होता है कि अगर आप इसका, मतलब इसका जो टेम्परेचर है यहाँ का ऑयल का टेम्परेचर 190 फ़ारेनहाइट पे जब पहुँचता है, तब ये एक्सपेंशन वाल एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लूड पास करके हीट एक्सचेंज करना शुरू करेगा। और कब बंद होगा, जब 170 फ़ारेनहाइट पे जब रिटर्न आएगा इसका ऑयल टेम्परेचर, तब जाके ये एक्सपेंशन वाल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में, मतलब 170 फ़ारेनहाइट और 190 फ़ारेनहाइट के बीच में ये एक्सपेंशन वाल काम करता है। अगर 200 फ़ारेनहाइट पहुंच गया टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, तो इसके लिए ये इधर यहाँ पे एक ये देखिए ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले भी वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे है, तो आप गौर से अगर वो रिव्यू देखेंगे मेरा वीडियो, तो आपको पता चल जाए। मैं तो ये जो है 200 फ़ारेनहाइट पे अगर इसका टेम्परेचर चला जाएगा 10 सेकेंड के लिए, ऑयल का टेम्परेचर, तो ये जो सेंसर सेंस करके कंप्रेसर को ऑफ करेगा, क्योंकि 10 सेकेंड के लिए उसका एक सेटिंग है ये चिलर के साथ में। अगर 200 फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर 10 सेकेंड टेम्परेचर रहता है, वो सेंस करके कंप्रेसर को ऑफ कर दे हाई ऑयल टेम्परेचर सेंसर के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए करके 190 फ़ारेनहाइट पे जब टेम्परेचर इसका पहुंचेगा ऑयल टेम्परेचर, तो ये सेंस करके एक्सपेंशन वाल ओपन हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल ओपन होके यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर फ्लूड जो है यहाँ से पास होके ऑयल का टेम्परेचर जो है मतलब नॉर्मल करेगा, 170 के अंदर उसको करके रखेगा। तो किसी भी वजह से अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो बढ़ने नहीं देना मांगता है, इसके लिए ये हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है, और हीट एक्सचेंजर के ऊपर ये फीमेल स्टेप लोडर है जो ऑयल को टेम्परेचर मतलब मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।